गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर की बुक ने लास्ट हमने मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम देखेंगे वर्किंग विथ टेबल। एमएस वर्ड ऑफर अ फ्लेक्सिबल फीचर ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द टेब्यूलर फॉर्म। इट इज वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ इफेक्टिव वे। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बहुत ही अलग अलग तरह के फीचर देता है जिससे हम सभी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। किससे प्रेजेंट कर सकते हैं? टेब्यूलर फॉर्म से। टेब्यूलर फॉर्म से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनाइजिंग। वो टेब्यूलर फॉर्म हमें बहुत ही यूजफुल रहता है, मतलब कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, और इफेक्टिव वे मतलब अलग अलग स्टाइल की करने के लिए टेबुलर फॉर्म हमें बहुत ही यूज होता है। अ टेबल कंसिस्ट सेवरल रोज एंड कॉमन। टेबल में बहुत सारी रो और कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। रो और कॉलम मिक्स होके जो हमारा चौरस बॉक्स बनता है इसे बोलते हैं सेल। रो और कॉलम मतलब हॉरिजेंटली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं कॉलम, और वर्टिकली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं रो। तो दोनों मिला के जो भी चौरस बॉक्स हमारा बनता है उसे बोलते हैं सेल। देन नाउ क्रिएटिंग अ टेबल। स्टेप टू क्रिएट अ टेबल आर गिवन एज अ फॉलो। क्रिएटिंग टेबल, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें ये नीचे के स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है गो टू इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब ओपन करना है, उसमें क्या करना है? सिलेक्ट द टेबल्स ऑप्शन। इंसर्ट टैब में हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? टेबल ऑप्शन। देन थर्ड है क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके आगे क्या करना है? स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। जितनी रो और कॉलम हमें टेबल के अंदर ऐड करनी है उसके बारे में हमें काउंटिंग लिखना है। देखो इधर पिक्चर में दिया है, इंसर्ट में जाके टेबल वाला हमें ओपन करना है। तो इस तरह से पूरा टेबल आ जाएगा। उसमें से आप एरो करके भी टेबल बना सकते हो अगर आपको टेबल काउंट करके बनाना है। तो इंसर्ट टेबल में जाके देखो, इंसर्ट टेबल ओपन हो गया। उसमें से आपको जितनी कॉलम, तो कॉलम्स जितनी लेनी है उतने काउंटिंग लिखने हैं, और जितनी रो ऐड करनी है वो भी काउंटिंग लिखना है। उसके बाद क्या कर देना है? ओके, तो वर्ड पेज में आपका टेबल ओपन हो जाएगा। देन टर्न योर पेज। देखो इधर दिखा है, आप टेबल ओके करोगे तो ये पूरा वर्ड पेज में आपका टेबल ड्रॉइंग आ जाएगा। उसमें आपने जितनी कॉलम और रो ऐड की होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन आगे है एंटरिंग डेटा। तो डेटा एंटर मतलब टेबल के अंदर हमें कोई भी चीज टाइप करनी है, मतलब कोई भी डेटा एंटर करना है तो क्या करेंगे? प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द टेबल सेल एंड टाइप द टेक्स्ट। तो अगर टेबल के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या करेंगे? माउस का कर्सर टेबल के आगे ले जाके हमें क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये पॉइंट टेबल के आगे आ जाएगा। उसके बाद आप उसके अंदर जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। टू मूव द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल आइदर प्रेस द टैब की और प्रेस द राइट एरो क्री। अगर आपको दूसरे पेज में भी लिखना है, यहाँ पे आपका पूरा टेक्स्ट लिख के ओके हो गया, अगर आपको सामने के पेज में लिखना है तो आप क्या क्लिक करोगे? टैब की क्लिक करोगे तो कॉलम चेंज हो जाएगी, मतलब कर्सर सामने के बॉक्स में आ जाएगा। टू गो टू द प्रीवियस सेल प्रेस द लेफ्ट एरो की। मतलब देखो, सेकेंड में आपने टेक्स्ट ऐड किया और आपको फिर से आगे जाना है तो कौन सा बटन क्लिक करोगे? लेफ्ट एरो की क्लिक करोगे तो आप फिर से जहां पे होगे वहां पे आ जाओगे। यूज द टॉप एंड बॉटम एरो की टू मूव अप एंड डाउन इन द टेबल।
टॉप एंड बॉटम में जाना है, मतलब ऊपर और नीचे जाना है, तो कौन सी की क्लिक करनी है? एरो की, मूव अप एंड डाउन, मतलब ऊपर वाली एरो की क्लिक करोगे तो ऊपर जाओगे मतलब टॉप में जाओगे, और नीचे वाली एरो की क्लिक करोगे तो आप बॉटम में जा सकते हो। तो वहां पे आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। देखो नीचे वर्क स्टेशन में दिया है एंटर द डेटा एज अ शोविंग टेबल बिलो मार्कशीट। देखो इधर मार्कशीट का पूरा टेबल दिया है, इधर कॉलम में क्या लिखा है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, और इधर सबका नाम लिखा है, तो उसके जितने जितने मार्क्स आए उसके बारे में लिखा है। तो ये टेबल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। देन मॉडिफाइंग अ टेबल, तो टेबल के अंदर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो कैसे करोगे? मॉडिफाइंग अ टेबल आफ्टर एंटरिंग द डेटा इन अ टेबल, जो भी आपने टेबल के अंदर डेटा एंटर किया है, यू कैन मेक द चेंजेस इन द डेटा एज अ रिक्वायर्ड, मतलब जो भी टेक्स्ट और डेटा आपने ऐड किया है उसमें आपको चेंजेस करना है तो आप क्या करोगे? यू कैन ऐड और डिलीट रो एंड कॉलम, यू कैन अकोमोडेट नेक्स्ट, अकोमोडेट न्यू नेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो टेबल के अंदर आपने जो भी रो और कॉलम्स ऐड किया है वो आप डिलीट भी कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट ऐड किया है वो आपको डिलीट करना है तो वो भी ऐड और डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू इंसर्ट द रो एंड कॉलम इन द टेबल फॉलो स्टेप एज अ गिवन बिलो। इंसर्ट रो एंड कॉलम मतलब रो एंड कॉलम इंसर्ट करनी है मतलब एड करना है, तो कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे? फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द रो एंड कॉलम एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको जो भी रो और कॉलम डिलीट करनी है या एड करनी है। हाँ, तो जो भी रो और कॉलम आपको इंसर्ट, ऐड या डिलीट करना है वो रो और कॉलम को आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। देन स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हमें क्या फॉलो करना है? क्लिक द लेआउट टैब इन द टेबल टूल्स। लेआउट टेबल टूल्स पे क्लिक करके हमें आगे क्या करना है? क्लिक द इंसर्ट लेफ्ट, देखो इधर पिक्चर में दिया है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट हमें क्लिक करना है, और इंसर्ट राइट बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप, इंसर्ट राइट इंसर्ट लेफ्ट, जहां से भी आपको कॉलम और रो ऐड या डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। स्टेप नंबर थ्री, सिमिलर क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन टू ऐड रो एंड द टेबल। हाँ, तो इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, जो भी आपने कॉलम और या रो या सिलेक्ट की होगी वो इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, और इंसर्ट अबो इंसर्ट बिलो वो करोगे तो रो और कॉलम ऐड हो जाएगी। सिमिलर क्लिक इंसर्ट अबो इंसर्ट बिलो वो क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी? ऐड द रो इन द टेबल, रो एंड कॉलम ऐड हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों देखो पिक्चर्स में इधर आपको दिखाया है, हाँ तो देखो पिक्चर्स में आपको दिखाया है टेबल पे आप राइट क्लिक करोगे तो उस पर कहाँ जाना है? इंसर्ट, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम एंड राइट, इंसर्ट कॉलम एंड द लेफ्ट, जहाँ पे भी आपको ऐड करना है वो आपको क्लिक करना है। देन टर्न योर पेज टू डिलीट रो एंड कॉलम इन द टेबल्स फॉलो द स्टेप एज अ गिवन बिलो। हाँ, तो रो और कॉलम को आपको डिलीट करना है टेबल के अंदर, रो और कॉलम डिलीट करना है तो कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे? फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेबल, टेबल पूरा सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द लेआउट टैब, जहाँ पे लेआउट कर लिखा है मतलब ये लेआउट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप, डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रो एंड कॉलम ग्रुप का डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट द डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम फ्रॉम द मेनू, देखो लेआउट आपको ओपन करोगे तो डिलीट ऑप्शन आएगा, डिलीट ऑप्शन में क्या है? डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, तो आपको जो भी डिलीट करना है वो आपको क्लिक करना है लेआउट में जाके डिलीट ऑप्शन। उसके आगे क्या है? उसके आगे देखो आपको पिक्चर में बताया है।
हाँ तो उसके आगे पिक्चर में क्या है, आप टेबल में से स्क्रीन पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा, उस पे से क्या सिलेक्ट करना है, डिलीट सेल। डिलीट सेल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, शिफ्ट सेल अप, रो एंड कॉलम। उस पे से जो भी आपको डिलीट करना है वो आपको क्लिक करके क्या करना है, ओके। हाँ तो डिलीट सेल ऑप्शन पूरे स्क्रीन में से भी आप रो एंड कॉलम डिलीट कर सकते हो। उसके आगे क्या है बच्चों, उसके आगे है फॉर्मेटिंग अ टेबल। फॉर्मेटिंग टेबल का मतलब क्या है, टेबल की स्टाइल या कलर चेंज करना, मतलब टेबल में इफेक्ट देना। आफ्टर अ क्रिएटिंग अ टेबल वी कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल्स। टेबल की स्टाइल चेंज करना या फॉर्मेट करना, मतलब कलरिंग चेंज करना, उसका व्यू चेंज करना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टेबल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट। टेबल में जाके देखो, पिक्चर्स में दिया है, टेबल के स्टाइल में जाके आपके कोई भी स्टाइल का टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अंडर द टेबल टूल्स क्लिक द डिज़ाइन टैब। टेबल टूल्स के अंदर जाके डिज़ाइन टैब सिलेक्ट करना है। टेबल टूल्स के अंदर जाओगे तो डिज़ाइन टैब आएगा, उसमें से ये सब टेबल के डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द डिज़ाइन स्टाइल फ्रॉम द टेबल्स राइट ग्रुप। उसमें से कोई भी आप टेबल का स्टाइल चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके आगे क्या है बच्चों, उसके आगे है स्प्लिटिंग सेल्स। हाँ तो स्प्लिटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल्स मतलब रो एंड कॉलम जहाँ पे मिक्स होती है वहाँ पे जो चौरस बॉक्स बनता है उसे तो सेल बोलते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब डिवाइड करना, मतलब अलग अलग सेल्स में डिवाइड करना है। टू डिवाइड अ सेल्स इनटू मेनी सेल्स यूजिंग द स्प्लिट सेल्स ऑप्शन फॉलो द स्टेप एज अ गिवन बिलो। तो डिवाइड सेल करने के लिए ये स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट। जो सेल आपको डिवाइड करना है, मतलब अलग करना है, वो सेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, क्लिक द लेआउट टैब। लेआउट टैब क्लिक करना है, जो हमने डिलीट करने के लिए लेआउट, देखो इधर डिलीट करने के लिए लेआउट में क्लिक किया था, उसमें लेआउट में क्लिक करके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्प्लिट द सेल। तो क्या ऑप्शन में दिया है, स्प्लिट द सेल्स। लेआउट टैब पे क्लिक करके कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, क्लिक द स्प्लिट सेल। लेआउट में जाके स्प्लिट सेल्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 3, द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन। स्प्लिट सेल आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इनटू व्हिच यू वांट टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल। हाँ तो स्प्लिट सेल ओपन करके आपको जो भी रो या कॉलम डिवाइड करनी है, मतलब स्प्लिट करनी है, उसका नंबर आपको ऐड करना है। एंटर द नंबर। स्टेप नंबर 5, क्लिक ओके। नंबर ऐड हो जाने के बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। देखो इधर पिक्चर में दिखाया है आपको, अलग करके स्प्लिट सेल में जाके जो भी कॉलम और रो आपको स्प्लिट करनी है वो नंबर लिख के ओके कर देना है। देन आगे है मार्जिन सेल। तो टेबल के अंदर हमें मार्जिन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे मार्जिन सेल्स। इफ़ यू नीड टू कंबाइन सर्वल सेल्स इनटू वन, यूज द मार्जिन सेल ऑप्शन। बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके हम मार्जिन सेल्स ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टेबल के अंदर मार्जिन बना सकते हैं। इस प्रोवाइड अ वे टू कंसोलाइड डेटा इन द वन सेल टू गिवन इट अ बेटर लुक। हाँ तो टेबल के अंदर हम मार्जिन ऐड करके, कोई भी टेक्स्ट ऐड करके हम टेबल का लुक बेटर बना सकते हैं, मतलब टेबल को एक अलग तरह की इफेक्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो वो स्टेप आज हम देखेंगे। स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज। तो जिस सेल पे आप मार्जिन बनाना चाहते हो वो सेल को आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, क्लिक द लेआउट टैब। वो लेआउट वाला टैब आपको क्लिक करना है, उसके अंदर क्लिक द मार्जिन सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप।
मार्जिन सेल्स बटन पे क्लिक करके मर्ज ग्रुप में क्लिक करना है। मर्ज ग्रुप के अंदर मार्जिन सेल्स सेलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3, द डेटा गेट्स कंबाइंड इन द वन सेल। तो सभी डेटा एक सेल के अंदर कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबाइंड। देखो इधर पिक्चर में आपको दिया है, इस तरह से सिलेक्ट करके पूरा आपका मार्जिन बन जाएगा। लेआउट में जाके मार्जिन सेल ऑप्शन क्लिक करना है। देखो इधर पिक्चर में लिखा है मार्ज सेल ऑप्शन, इस तरह से पूरा मार्जिन बन जाएगा। देन टर्न योर पेज। कैलकुलेशन इन अ टेबल। देखो टेबल के अंदर आपने कोई भी मार्कशीट बनाई है या मार्क्स लिखे हैं, उसका आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट या डेटा आपने ऐड किया है उसका आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करोगे? यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डेटा इन अ टेबल। स्टेप फॉलो, फॉलो द स्टेप एज गिवन बिलो। तो न्यूमेरिक डेटा मतलब नंबरिंग डेटा के कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये सभी स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेगी। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द लेआउट टैब। क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज टू बी डिस्प्ले। लेआउट टैब में जाके कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? सेल वेर यू रिजल्ट इन टू डिस्प्ले, जहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है वो आपको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2, क्लिक द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप में जाके फॉर्मूला बटन क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 3, द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स इज अ डिस्प्ले। फॉर्मूला बटन क्लिक करोगे तो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, नॉट दैट अ सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्ले। सम वाला जो फॉर्मूला मतलब एडिशन वाला जो फॉर्मूला है वो डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, क्लिक ओके। ओके क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 6, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड कैलकुलेट एज द सम ऑफ वैल्यू इन द सेल इन द कॉलम अबव और ऑन द रो टू द लेफ्ट। तो जिस कॉलम और रो से आपको सम करना है मतलब एडिशन करना है वो रो और कॉलम के आपको आपका वो रो और कॉलम के नाम आपको सम के अंदर लिखने होंगे। देखो पिक्चर्स में आपको दिखाया है, देखो इधर टेबल दिया है, सभी मार्कशीट के मार्क्स दिए हैं। फॉर्मूला ओपन करोगे तो इस स्टाइल का आ जाएगा, उसमें से आपको क्या लिखना है? इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लेफ्ट और राइट। तो जिस कॉलम और जिस रो से आपको स्टार्ट करना है सम करना वो लेफ्ट राइट आपको ऐड करना है और नंबर भी आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? ओके। तो उसके आगे क्या है बच्चों? एडेप्टिंग द टोटल। तो एडेप्टिंग टोटल में क्या लिखा है? सम Sometimes you may require updating the adding new data into your table. हाँ तो कई बार आपको टेबल के अंदर न्यू डेटा ऐड करना है, मतलब कोई भी न्यू सम ऐड करना है तो आपको आपको क्या करना होगा? वर्ड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डू दिस इज द सिंपली फॉलोइंग स्टेप एज गिवन बिलो। तो वर्ड के अंदर आपको सम या कोई एक्स्ट्रा डेटा या टेक्स्ट ऐड करना है तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेगी। देन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है? सिलेक्ट द सेल इन द टेबल एंड चेंज इट्स डेटा। तो जो भी सेल में आपको ऐड करना है वो सेल आपको सिलेक्ट करके उसके अंदर जो भी डेटा चेंज करना है वो डेटा आपको चेंज कर देना है। देन स्टेप नंबर 2, नाउ सिलेक्ट द सेल वेयर यू टोटल इज डिस्प्ले। और जो चेंज करके वो सेल का आपको टोटल डिस्प्ले करना है मतलब टोटल दिखाना है वो सेल आपको सिलेक्ट करना है। देन स्टेप नंबर 3, प्रेस द F9 की एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द टोटल। फिर वो सेल सिलेक्ट करके आपको क्या प्रेस करना है? F9 की। F9 की क्लिक करोगे तो जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया होगा टोटल करने के लिए वो ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब वो चेंजेस दिखाएगा। हाँ तो बच्चों, तो आज हमने सेकेंड चैप्टर में पूरा क्या सीखा वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमें हेडर, फुटर, बुलेट एंड टेबल, हेडर फुटर ऐड करना, हेडर मतलब टॉप मार्जिन, फुटर मतलब बॉटम मार्जिन, बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट में क्या है? सिंबल ऐड करना,
कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या पॉइंट के आगे सिंबल ऐड करना, उसे बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। फिर नंबर लिस्ट एंड टेबल, टेबल टेबल में फॉर्मेट करना, स्टाइल चेंज करना, वो सब सीखा ना हमने। तो आज का हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।